हेलो एवरीवन। सो राइट नाउ सी जनवरी इनटेक के अप्रूवल्स आने शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सारे बच्चों, एक तो ये भी था कि काफ़ी सारे बच्चों ने डेफर ले लिया था, जिनके रिजल्ट्स लेट हो रहे थे या सीट इशू था तो उनको डेफर आ चुका था। तो इस वजह से काफ़ी सारे अप्रूवल्स जनवरी इनटेक के आ रहे हैं। सो जो अप्रूवल्स अभी भी सितंबर इनटेक के डेली हमारे पास आ रहे हैं, सो वो बच्चे भी सारे डेफर हो चुके हैं जनवरी इनटेक में, बिकॉज कॉलेजेस विल नॉट एक्सेप्ट देम राइट नाउ। ओनली यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट में बच्चा ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उनका अक्टूबर इनटेक है। सो मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यही कहती है कि जितने वीज़ास सितंबर इनटेक में आए उससे कई ज़्यादा वीज़ा जनवरी इनटेक में आएंगे, बिकॉज सितंबर इनटेक में देर वॉज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बाय हाई कमीशन, ये एक्सेप्ट किया गया था उनके पास और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत सारा स्टाफ ऐड किया है। सो मैं एक चीज़ और स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रोसेसिंग है वीज़ा की, दैट इज़ हैपनिंग इन कैनेडा ओनली, इट इज़ नॉट हैपनिंग इन इंडिया एंड दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी क्लैरिटी कि हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, नोबडी नोज दैट। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग बहुत ज्ञान दे जाते हैं कि एम्बेसी वीज़ा कैसे प्रोसेस करती है, बट वो कितना सच है कितना नहीं है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता हाउ इज़ द प्रोसेसिंग। हमको सिर्फ ये पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए कि कैनेडा इज़ गिविंग वीज़ाज एवरी डे देर आर, आई विल टेल यू कि देर आर 500 to 1000 वीज़ाज अप्रूवल्स इन इंडिया एवरी डे, और हमारे पास भी रोज़ 5, 7, 10, 20, 15 अप्रूवल्स डेली आती हैं ऑन एवरेज। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि अगर हम जनवरी इनटेक में काफ़ी सारे रीफाइलिंग वाले बच्चों को भी वीज़ाज अप्रूव होंगे, और अगर आपने सितंबर में डिले कर दिया था तो आप जनवरी में भी लगा सकते हैं एंड देर विल बी मच मोर फास्टर रिजल्ट्स फॉर जनवरी इनटेक, बिकॉज अभी भी देखने को मिल रहा है कि जुलाई के बच्चों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ लेस देन 3 मंथ्स जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, बट कुछ पेंडिंग फाइल्स हैं पर वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। आई विल टेल यू कि 5 to 8% पेंडिंग फाइल्स हैं जिन पे रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं उनको कहूँगा कि आप वेब फॉर्म क्वेरी रेज करें, और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी नुकसान होगा ट्यूशन फीस का उसको आपको असेस करना पड़ेगा। बट जो नए केसेस लग रहे हैं तो वो इस बार सुरेंद्र जी देखने को बहुत ये मिल रहा है कि लास्ट 1-1.5 महीने में ऑर्डर वाइज चल रहा है। पहले जून का रिजल्ट आ रहा था और अब जुलाई का रिजल्ट आ रहा है। सो कुछ ऑर्डर वाइज और स्ट्रीम वाइज वीज़ा रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि जुलाई में जिन्होंने फाइलें अपनी सितंबर इनटेक के लिए भी लगाई थी और उनको डेफर ले लिया उन्होंने, तो उनके वीज़ाज अभी आ रहे हैं। सी अगर जनवरी इनटेक की बात करें तो मैं 15 November तक स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप फाइल लॉन्च करें, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अभी 60-75 days में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इट विल बी 45 days, तो हमारे पास डिसेंट 45-50 days बचते हैं, तो 15 November तक फाइल सबमिट करने की पूरी कोशिश रहेगी। और अगर किसी का डिले होता भी है तो वो स्टूडेंट्स डेफर ले सकते हैं, बट आप अपनी जो जनवरी इनटेक के लिए फाइल ज़रूर सबमिट करें। ऐसे तो कुछ स्टूडेंट्स को 7-7 days में भी रिजल्ट आए हैं, दो ज़्यादा लकी वंस जिनको 7 दिन में रिजल्ट आया। सो बी पॉजिटिव एंड पुट अप योर फाइल टिल 15 November, और ये 15 November मैं कह रहा हूँ, और बट कुछ बच्चों की मुझे पता है कि फाइल 30 November तक भी स्ट्रेच होगी। थैंक यू सो मच।